सो हे ब्यूटीफुल पीपल ओवर देयर, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दिवाली आपकी बहुत शानदार बीती होगी, लेकिन मुझे पता है अभी इस वक्त आपके ऊपर टर्म वन बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। और गाइज, इस वक्त मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ, बहुत नया अपडेट है। मैं सोच ही रहा था इनफैक्ट कि सीबीएसई में कुछ बड़ी हलचल क्यों नहीं हो रही है, कुछ नए चीज़ें वो क्यों नहीं लेकर आ रही है, क्योंकि सीबीएसई शांत बैठ जाए ऐसा हो नहीं सकता। और वही चीज़ हुआ है। डॉक्टर संयम भारद्वाज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, वो फिर से एक नया चीज़ लेकर आ गए हैं, फिर से एक नई चेंजेस, एक बड़ा चेंज लेकर आए हैं। और क्लैरिटी जो नहीं है उसमें, जो कि हर बार होता है सीबीएसई के सर्कुलर्स में, इस बार भी वही चीज़ है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि स्टूडेंट्स को क्या करना है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है गाइस, अभी आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए, स्किप नहीं करना है। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करना है। तो गाइस, यहां पे अभी क्या हुआ है, अभी लीडिंग न्यूज चैनल के तरफ से जब पूछा गया, कंफर्मेशन लिया गया डॉक्टर संयम भारद्वाज सीबीएसई एग्जामिनेशन कंट्रोलर, तो वहां से पूछा गया कि भाई आप बताइए कि जो ओएमआर शीट है उसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा ही है या फिर कुछ बदलाव है। तो अभी सीबीएसई ने बताया, यानी कि डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बताया कि भाई एक नया जो है वो ओएमआर शीट आ चुका है। बिंगो, फिर से मतलब एक नया चीज। अब क्या है ये नया चीज ओएमआर शीट में, आपको मैं बता देता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अभी इनका कहना है कि सीबीएसई ने फाइनलाइज किया है न्यू ओएमआर शीट को फॉर इट्स टर्म वन एग्जाम। अब जैसा कि आपको पता है गाइस कि टर्म वन एग्जाम जो है वो आपका, मैं आपको क्लैरिटी दे दे रहा हूं कि मैक्स टू मैक्स 60 क्वेश्चन का बात उठा है, और आप ओएमआर शीट जो अपने आंसर्स फिल करोगे वो पेन से करोगे, पेंसिल से नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, अभी यहां पे हमें सबसे शुरुआत में जब ओएमआर शीट आया था तो सबको पता था चार ऑप्शंस, यानी कि चार सर्कल मिलेगा, करेक्ट आंसर को आपको घेरा देना है, सबने यही बताया। अब उसके बाद में क्या हुआ, फिफ्थ एक आपका एक और सर्कल मिलेगा, जिसमें कि फिफ्थ सर्कल में आपको अपना आंसर, अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो सही आंसर को आप वहां लिख दीजिए और आपका हो जाएगा। लेकिन अब सीबीएसई फिर लेकर आई है एक नया चीज। अब की बात, आपको जो पांचवा जो सर्कल मिलने वाला था वो सर्कल नहीं मिल करके वो मिलेगा एक बॉक्स और एक अलग से कॉलम। स्ट्रेंज, बहुत स्ट्रेंज। अब ये सर्कल हटा करके कॉलम करने का क्या मकसद था मुझे समझ में नहीं आया, और इसमें सीबीएसई क्या जताना चाहती थी मुझे समझ में नहीं आया। जो क्लैरिटी देना चाहिए था सीबीएसई को, वो क्लैरिटी इस बात में, गौर करना आप लोग, सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हैं और हम ये सवाल पहले उठा चुके हैं कि अभी देखो यहां सीबीएसई का कहना था कि आप पांचवा जो कॉलम मिलेगा, और पांचवे कॉलम में जो अब तो बॉक्स मिल रहा है, पहले तो सर्कल की बात हो रही थी, अब बॉक्स मिल रहा है जो अभी आप देख भी रहे हो, ठीक है। तो यहां पे जो पांचवा जो कॉलम था और उसमें जो बॉक्स दिया जा रहा है उसमें क्या करना है, मतलब अगर कोई आंसर गलत होगा और सही आंसर को ही वहां पे पुट करना है, या हर आंसर को घेरा देने के बाद में अपना आंसर को भी वहां लिखना है, इस पे सीबीएसई ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। मतलब पांचवा कॉलम को यूज कब करना है, मामला समझो, मैं इसको एक बार फिर से समझाता हूं आप लोगों को। अभी तक इसमें सीबीएसई ने या डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कोई क्लैरिटी नहीं दिया, तो हम भी आपको इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। देखिए यहां पर क्या है कि सीबीएसई ने कहा, डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा है कि अगर आपका कोई आंसर गलत होता है तो उस आंसर को आपको मिटाना नहीं है, वैसे भी आप मिटा नहीं सकते क्योंकि आप पेन यूज कर रहे हो, तो आपको उसे इरेज नहीं करना है, काटाकुटी नहीं करना है, आपका जो भी आंसर सही आंसर है वो पांचवा कॉलम में जो बॉक्स दिया हुआ है, आप तो सर्कल नहीं है, जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें आप अपना करेक्ट आंसर को लिख दीजिए। ओके फाइन, इतना दूर तक समझ में आ गया। लेकिन अब यहां पे सीबीएसई के पहले वाले जो सर्कुलर आया था उस पर हम बात कर लेते हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो कॉलम में लिखा जाएगा उसी आंसर को हम फाइनल मानेंगे। तो इसका मतलब सीबीएसई क्या ये कहना चाह रही है कि सपोज आप मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर वन का आंसर सी है, तो आपने सी को घेरा, उस सर्कल को डार्क करने के बाद में जो पांचवा कॉलम है उसमें भी लिखना पड़ेगा सी। इसमें सीबीएसई ने अभी तक कुछ नहीं बताया, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अब नेचुरल है, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे, लेकिन सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं है। अब यहां पे डॉक्टर संयम भारद्वाज ने गाइस वैसे जाते जाते एक और चीज बम फोड़ दिया, जो कि पहले उन्होंने बताया था, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है कि कॉपी जो इवैल्यूएशन होगा, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं कि ओएमआर रीडर के द्वारा होगा, तो बिल्कुल गलत है। कॉपी इवैल्यूएशन आप एग्जाम दोगे, उसके बाद में सीबीएसई तुरंत थोड़ी देर बाद में आंसर की जो है वो हर स्कूलों में भेज देगी, और कोई भी सब्जेक्ट टीचर आपका कॉपी चेक करेगा, मशीन से या कंप्यूटर से या ओएमआर रीडर से कॉपी चेक नहीं होगा, ठीक है। और कॉपी चेक होने के बाद में
जो भी आपका मार्क्स स्कोर होगा वो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे लिखा जाएगा, और रिकॉर्ड होने के बाद में जो आपका ओएमआर शीट है उसको भेज दिया जाएगा आपके एरिया के रीजनल ऑफिसर्स में, सीबीएसई के जो रीजनल ऑफिसर्स हैं वहां पे भेज दिया जाएगा। तो सीबीएसई ने मतलब ये बताया कि भाई सारा कुछ उसी दिन होगा और ओएमआर रीडर के थ्रू से नहीं होगा, मैन्युअली होगा। और मैं सीबीएसई से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज भाई ये जो क्लैरिटी कीजिए कि हर आंसर को सही हो या गलत उसको पांचवें कॉलम में लिखना है या सिर्फ गलत होने स्थिति में पांचवें कॉलम को यूज करना है, क्लैरिटी दीजिए सभी बच्चों को ताकि कंफ्यूजन दूर हो। तो गाइज हम आपके साथ में लगातार बने हुए हैं आपके लिए लगातार, कल देर शाम भी जब दिवाली की धूम मची हुई थी हम आपके लिए नोट्स बना रहे थे, तो कल हमने देर शाम इंग्लिश क्लास 10th का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उसका हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs दे दिया है, PDF भी दे दिया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम लगातार आपके लिए चीजें ला रहे हैं, सो प्लीज शो योर सपोर्ट, शो योर लव, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट यू सर, और प्लीज बने रहो यार, ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड कर सकते हो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो डू रिकमेंड अस, एंड यस सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट जरूर करना। मिलना मेरे साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।